गाइस हाय, बात कर रहा था मैं रोशक के कैरेक्टर के बारे में, कॉनर मैकग्रूगर की लाइफ के साथ में उसको मैं कनेक्ट करके बोल रहा था। इन द सेंस ऐसे मैं नहीं बोल रहा था कि वायलेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ या फिर नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। माई सेल्फ आई बिलीव इन नॉन वायलेंस और ये सारी किसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट अगेन इट्स अ स्टोरी टेलिंग। फिर से मेरी जाके प्रीवियस स्टूडियोज देखो, इसमें मैंने कहा है कि ये स्टोरी टेलिंग है। डायरेक्टर के माइंड में जो कुछ है वो किसी को सामने रख रहा है किसी के। इट्स नॉट जोक, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग। आपको जो वर्ल्ड दिख रहा है उसको किसी और को दिखाना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स डिफिकल्ट थिंग। दैट्स वाई मूवी मेकिंग इज डिफरेंट थिंग एंड इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। कमिंग बैक टू द मूवी वॉचमैन, अगेन मैं बोलूँगा वॉचमैन इज द बेस्ट मूवी एवर मेड, सुपर हीरो मूवी एवर मेड टिल टूडे। 2009 में बनी थी, आज 2019 है, बेस्ट मूवी। ऐसा लग रहा है कि कल ही मूवी आई है। अगेन एक्शन सीक्वेंसेस, स्टोरी प्ले, मोटिव्स। हाँ, स्टोरी के बारे में बोल रहा था, रोशक के कैरेक्टर के बारे में कहा, मैनहट्टन के कैरेक्टर के बारे में कहा, स्टोरी के बारे में थोड़ा कुछ। सो ये जो सुपर हीरोज हैं, हर एक कोई है, उनकी एक टीम बन जाती है, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ काम करते करते सोवियत यूनियन का और यूनाइटेड स्टेट्स का कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है, उसके चक्कर में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। अगर इस वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड करना है तो वो सुपर हीरोज किस तरह से उसमें मीडिएटर का काम कर रहे हैं एंड उसके सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से होते हैं। इन द एंड सुपर हीरो किस तरह से उस थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ें प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं, इसके बारे में है ये मूवी वॉचमैन। इसमें सिर्फ सुपर हीरोज नहीं है बट इसमें ये बहुत सारी चीज़ें भी बात की गई है। सारे के सारे प्लॉट्स एट अ टाइम एक जगह पे आके मिलते हैं। इट्स अ मास्टरपीस मैन, इट्स अ मास्टरपीस। मैंने ऐसी मूवी अब तक अपने लाइफ में देखी नहीं। ईच एंड एवरी फ्रेम, एक और एक फ्रेम को आप समझने की कोशिश करते हो, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि उसकी ईच एंड एवरी फ्रेम आपको बहुत कुछ बताती है। हर एक फ्रेम सुपर हीरो के पर्सनल लाइफ के बारे में, सुपर हीरोज के मोटिव्स के बारे में, सुपर हीरोज क्यों बने उसके बारे में, सुपर हीरो एक बेसिक सुपर हीरो से लेके गॉड लाइक कैरेक्टर का सुपर हीरो, और ये सभी मिलके किस तरह से गवर्नमेंट के साथ, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंबाइन होकर उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये चीज़ें होने के बाद में इन द एंड किस तरह से स्टोरी कंक्लूड करते टाइम सुपर्ब कंक्लूड किया गया इन द एंड। फॉर ऑल दीज रीजंस मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ 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 वॉच दिस मूवी वॉचमैन एंड वॉच इट एज अ स्टोरी, वॉच इट एज डायरेक्टर वांट टू टेल यू समथिंग, वॉच इट क्योंकि आपको बताना चाहता है डायरेक्टर कुछ पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, अबाउट थॉट्स, अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। इन सभी चीज़ों के बारे में डायरेक्टर आपको कुछ स्टोरी बताना चाहता है, तो उस पर्सपेक्टिव को सुनने के लिए मूवी देखो। आपके माइंड में है, आपको लगा इमोशनल हुआ, आपको लगा ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपको लगा वैसा 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 होना चाहिए, डोंट वॉच मूवीज फॉर दैट। वॉच मूवीज टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि स्टोरी टेलिंग कोई मजाक नहीं है, स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग। हाँ, कॉमेडी मूवीज कॉमेडी की तरह देखो, हॉरर मूवी तो उसी तरह से व्यूज के साथ देखो, नॉट इशू। बट ऐसी कोई मूवी अगर आती है रियल लाइफ के ऊपर, इवेंट के ऊपर रहने दो, एक अच्छे ग्रेट बुक के ऊपर रहने दो, और रियल लाइफ इंस्पायर्ड रहने दो, किसी की बायोग्राफी रहने दो, या फिर इस तरह की मूवी जो अपने टाइम से बहुत आगे है। 2000 में मूवी है, आई गेस 2049 तक मूवी अगर आप ये देखोगे, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद में भी अगर आप ये मूवी देखोगे तो उसी टाइम भी आपको ये मूवी ऐसा लगेगा कि कल ही रिलीज हुई है। एक इट्स अ मास्टरपीस, इट्स समथिंग दैट क्रिएटेड वंस इन 100-200 कितने भी ईयर्स बोल सकते हो, वट एवर इट इज। सो वॉच इट, डू वॉच इट वॉचमैन एंड लेट मी नो वॉट आर यूर थाट्स। एग्री करते हो, नहीं करते हो, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड टू वॉचमैन, रॉशक।